हेलो साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है अलजेब्रा को कवर करेंगे और इसमें जो है प्रश्नावली 3A पे बात करेंगे और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है दो चरों में रैखिक समीकरण, इक्वेशन इन ए टू वेरिएबल, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये टोटल जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है और मैं जो है यहाँ पर डॉक्टर मनोहरे बुक को फॉलो करता हूँ। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी डॉक्टर मनोहरे जो राइटर हैं उनका जो आप बुक है उसे आपको टोटल सवाल यहाँ पर मिल जाएगा। प्रत्येक सवाल का मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3A पे और 3A का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पढ़ाता हूँ। तो मैं इसे इरेज करता हूँ और अब हम लोग 3A का फर्स्ट सवाल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, जो एक्सरसाइज 3A है वह उसमें ये बोला है पहले सवाल में कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग आफताब और उसकी जो पुत्री है उसका हम लोग वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना आफताब की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु वाई वर्ष है। चलो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आफताब की वर्तमान आयु को यक्ष मान लिया, यानी प्रेजेंट टाइम में आफताब कितने का है, यक्ष वर्ष का है, और उसकी जो पुत्री है वो भी वर्तमान समय में कितनी है, वाई वर्ष की है। अब ये प्रश्न बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो अब आप लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की आयु तो अगर आफताब वर्तमान में यक्ष वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले वह कितने का होगा, यक्ष -7 वर्ष का होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं इस समय जो है 25 का हूँ तो 5 वर्ष पूर्व मैं कितने का था, तो 20 ईयर का था। इस प्रकार से आप इस बात को समझें। अब देखिए, अब 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री भी तो कुछ रही होगी, तो हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु, तो वाई माइनस 7 वर्ष। अब ये कह रहा है आफताब कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना था, किससे 7 गुना, अपनी पुत्री से बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो मैं था कौन था, आफताब, अपनी पुत्री का 7 गुना था, ये प्रश्न बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, तो यक्स माइनस 7 = 7y - 49, तो यक्स माइनस 7y इधर आ गया, ये उधर जाएगा, तो -49 प्लस में क्या हो जाएगा 7, तो यक्स माइनस 7y बराबर माइनस का हो जाएगा 42, समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब आगे कह रहा, अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, तो अब लिखा जाएगा
तीन वर्ष बाद आफताब की आयु, तीन वर्ष बाद आफताब की आयु, तो x प्लस कितना हो जाएगा, तीन वर्ष हो जाएगा। अब लिखा जाएगा तीन वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो तीन वर्ष बाद जो उसकी पुत्री थी वह कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। तो अब कह रहा है आफताब जो है वो ये बोल रहा है, द्वितीय शर्त में लिखा जाएगा द्वितीय शर्त में हम लोग ये लिखेंगे, ये मेंशन किया है कि तीन वर्ष बाद मैं तुमसे तीन गुना हो जाऊंगा। तो जो तीन वर्ष बाद जो आफताब है वो अपनी पुत्री का 3 टाइम है, यानी y प्लस 3। चलिए यहाँ से हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y और ये 3 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो बस इस प्रश्न में यही आपको करना था कि समीकरण बना के छोड़ देना था। समीकरण हमारा बन गया है, अब हम लोग इसमें ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफीय परिकल्पना करना है। तो मैं दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जैसे पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y माइनस का 42 है, और दूसरा प्रश्न क्या है, x माइनस 3y और ये क्या है, 6 है। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। तो अब हम लोग इसके ग्राफ पे बात करेंगे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो चलिए मैं आपको ग्राफ इसका खींच करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए ग्राफीय स्थिति, ग्राफिकल पोजीशन, ग्राफीय स्थित, ठीक है। हम लोग लिखेंगे समीकरण एक से। तब जब आप समीकरण एक से बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, x का मान आप पाएंगे 7y-42। चलिए बहुत अच्छा, समीकरण एक से हमें ये मिल जाएगा। मैंने क्या किया, x को इस साइड में रखा, बाकी को दाहिने तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हमें यहाँ से एक टेबल बना लेना है इस प्रकार से, पॉइंट के लिए कुछ पॉइंट मिलेंगे और वो किस प्रकार से मिलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, x y, ठीक है। इस प्रकार से बस 4-5 बिंदु आप ले लेंगे। पहले बार जब मैं y का मान 7 रखता हूँ तो 7×7=49 में से 42 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। अगर y का मान मैंने 7 रखा तो x का मान भी हमें कितना मिल गया, 7। फिर से देख लीजिए, 7×49 में से 42 जाएगा, 7 आएगा। अगर y का मान मैंने 6 रखा तो 7×42 में से 42 यानी x का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर x का मान मैंने 5 रखा, ठीक है, अगर x का मान मैंने 5 रखा तो क्या मिलेगा, 7×35 और माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। पुनः मैं यदि x का मान 4 रखता हूँ या मैं 8 रखता हूँ, कितना आ जाएगा, 8 अगर मैं रखता हूँ तो 7×56, 56 में से 42 जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अगर मैं y का मान 4 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 4, 7×28 यानी 42-28 12, 8, 4 और 1, 14 मिलेगा।
कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14। अच्छा, तो ये तो हमारा जो है समीकरण एक के लिए हमारा टेबल बन गया। अब थोड़ा सा इसको ऊपर करके आप ऐसे लिख देंगे, यह ए बिंदु के लिए पॉइंट है, यह बी बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, और ये सी बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, और ये डी, और ये वाला जो है यह ई बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ चार पॉइंट भी निकाल सकते हैं, और बाकी अगर निकालना चाहें तो पूरा भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो से x का मान मिल जाएगा 3y प्लस 6। चलिए अब इसमें आप लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक्स वाई लीजिए, और कितना बिंदु है, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर ए हो जाएगा बी सी डी, और एक और हो जाएगा ई, ठीक है। इस प्रकार से आप लेंगे, हाँ। अब देखिए, अब वाई का मान रखते जाइए, वाई का मान माइनस एक रखेंगे तो माइनस 3 प्लस 6 यानी क्या आएगा, 3 आएगा। वाई का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 6 12 हो जाएगा। वाई का मान अगर -2 रखेंगे तो -6 प्लस 6 0 हो जाएगा। वाई का मान यदि आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वाई का मान यदि आप 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एक्स का मान। तो इस प्रकार से आपको जब भी ग्राफीय सवाल लगाना होगा तो आप सबसे पहले दो समीकरण प्राप्त कीजिएगा, और दो समीकरण प्राप्त करने के उपरांत समीकरण एक से x का मान निकाल के y का मान जो भी आपकी मर्जी में करेगा रखते जाइएगा, x आपको प्राप्त हो जाएगा। समीकरण एक से इतना काम आप कर लेंगे, समीकरण दो से भी आपको यही काम करना है। x के लिए आप फाइंड करेंगे टेबल, देखिए समीकरण एक से भी मैंने x के लिए टेबल फाइंड किया है, और समीकरण दो के लिए भी मैंने x के लिए ही टेबल फाइंड किया है, तो इस बात को आपको स्मरण रखना है। अब हम लोग जो है इसको, इसका कोऑर्डिनेशन देखेंगे, जो भी ये पॉइंट है कहाँ पे आएंगे। तो बच्चों इसे बोला जाता है एक्स एक्सिस एक्स, और यह ओ होता है, और यह एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है जिसे हम लोग वाई एच कहते हैं, और वाई ओ, और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। एक्स अक्ष पे धन में आप देख रहे हैं कि 14 तक पॉइंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक आप पॉइंट कर लीजिए। और वाई बिंदु पर भी आप लोग देख रहे हैं -14, वाई पर भी कितना है, मैक्सिमम वाई पर तो 8 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 उधर है तो 14 इधर माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, चलिए 15 तक ले लेते हैं, एक और यहाँ 15 में बढ़ा देता हूँ। अब इसके लिए जब आप ग्राफ दर्शाएंगे तो 7 7 आपको दर्शाना है, एक्स पे 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स पे 7 हो गया, और वाई पे भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कहीं ना कहीं इसके सामने होगा और इसके सामने ऐसे होगा, यानी पहला वाला जो हमारा बिंदु होगा ए यहाँ पर होगा, ठीक है, और इसका मान क्या है, 7 और 7, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, 7 7 कहाँ होगा, 0 6 दिखाना है, तो एक्स पे 0 और वाई पे 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0 6 तो हमें लग रहा है 1 2 3 4 5 6 यहीं पर होगा, 0 6, ये क्या है, 0 कामा 6 है, ठीक है। अच्छा, -7 और 5 दिखाना है, तो -7 इधर आइए, 1 2 3 4 5 6 7, -7 हो गया, 5, 1 2 3 4 5 इसके सीध में यहाँ पर,
1, 2, 3, 4, 5 ये काम जब आप अच्छे से ग्राफ वाली एक कॉपी आती है उसमें करेंगे तो आपको और अच्छा से ये सब चीज़ें मिलेगा। तो -7, -7, 5 ये हो गया। इसका नाम मैंने इसका बी रखा और इसका क्या मैंने रखा सी। डी वाला देखो बच्चों कहाँ आ रहा है, 14, 18 एक्स पे 14, तो 14 हमें लग रहा है यही होगा, एक्स पे 14 है और वाई पे 8 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके सामने आइए, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे होगा, ये है आपका 14 और 8। ठीक, -14 और 4 को आपको दिखाना, तो -14 यहाँ पे होगा और 4 1, 2, 3, 4 तो इसके सीध में यानी यहाँ पे होगा। तो इसका नाम आपने क्या रखा, इसका डी और इसका नाम क्या ई। ई क्या है, -14 है और -4 है। तो अब आप देख सकते हैं इसे हमें जो है एक सीधी लाइन में मिलाना है। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ बिंदु है यह मतलब आपको सीधा बनेगा, जब आप इसे कॉपी में ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ आपका एकदम ऐसे सीधे बनेगा। तो यह किसके लिए हो गया, हम लोग लिखेंगे x बराबर 7y-42 के लिए रेखा, ठीक है, x बराबर 7y-42 के लिए रेखा, ठीक है ना। अब जो है इसी प्रकार से इसको आप खींचेंगे तो x पे 3y-1, तो x पे 3, 1, 2, 3 x पे 3 और y पे -1 यानी ये यहाँ पे होगा -3, 1 ठीक है, x पे 3 और y पे -1। चलिए ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ a और x पे 12 b वाला 12 और 2 x पे 12 और y पर 2 यानी यहाँ पर होगा 12, 2 ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, b रख दिया। अब x पे 0 y पे -2 तो x पे 0 तो यही है, y पे -2, 1, 2 यानी यहाँ पर ये पॉइंट होगा, इसका मैंने c रख दिया, 0 और -2 0 और -0, -2 इसका मैंने नाम यहाँ पे सी रख दिया। क्लियर है। अब देखिए x पे 9 y पे 1 तो x पे 9 आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x पे 9 और y पर 1 तो y पे 1 इसके सीध में यानी ये बिंदु यहाँ रहेगा, इसका नाम क्या है d और ये क्या है बिंदु 9 और 1। अच्छा एक और है, 15 और 3 को दिखाना है, तो x पे 15 यहाँ होगा और 3 यहाँ थोड़ा सा 2 से ऊपर होगा, ये क्या हो गया 15, 3 y के सामने देखेंगे ना 3, तो इसका नाम क्या हो गया a b c d, इसका नाम क्या होगा e होगा। तो ये सभी बिंदु को जब आप ग्राफ वाली कॉपी में आप इसे बनाएंगे और अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है, तो आपका ये जो लाइन है ये एकदम सीधा लाइन ऐसे जाएगा। तो ये जो हमारा कर्व है किसके लिए है, x बराबर 3y+6 के लिए रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ मिलेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग जो है इसको बहुत अच्छे से ग्राफ वाली कॉपी पे आप लोग इस प्रश्न को कीजिएगा तो इसमें और मज़ा आने वाला है। अभी जो ये आपको लाइनिंग आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, आप जब इसे ग्राफ पे करेंगे, ग्राफ की कॉपी आती है उस पर जब आप कीजिएगा और उस पर आप पॉइंट को दर्शाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा सवाल होता है, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ आपको इसी प्रकार से आपको खींच लेना है और मैं आपको पूरा का पूरा अब जहाँ भी होगा समीकरण बना करके छोड़ दूँगा ग्राफ आपके लिए। अब जो इसका सेकंड प्रश्न है वो ये कहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो मान लेंगे माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपया
एक किलो सेब का मूल्य 100 रुपया तथा एक किलो क्या है अंगूर है, एक किलो अंगूर का मूल्य Y रुपया है। ध्यान से आप इस बात को समझिएगा, मैंने एक किलो सेब का मूल्य कितना मान लिया, X रुपया मान लिया, और एक किलो अंगूर का मूल्य मैंने क्या मान लिया, Y रुपया मान लिया। तो अब कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलो सेब का 2X रुपया हो जाएगा। भाई जब 1 किलो सेब का दाम 100 रुपया है तो 2 किलो सेब का दाम 2X रुपया हो जाएगा, और उसमें 1 किलो अंगूर ले रहा है तो 1 किलो अंगूर का दाम Y रुपया। अब ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रुपया है, ये कुल रुपया आपको 160 रुपया प्राप्त हो रहा है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है द्वितीय शर्त, ये तो फर्स्ट शर्त है, प्रथम शर्त से आपको ये प्राप्त हो रहा है, और सेकंड शर्त जो बोला है, सेकंड शर्त उसमें ये कहा है कि 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर, तो 4 किलो सेब का दाम 4X रुपया और 2 किलो अंगूर का दाम 2Y रुपया। अब ये मिला के कुल कितना रुपया है, ये 300 रुपया है, समीकरण नंबर 2। तो आपको ग्राफ कैसे बनाना है मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कहा है, बीजगणित ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात इसमें भी आपको ग्राफ ही खींचना है। तो आप समीकरण 1 के पास आइएगा, समीकरण 1 से 2X बराबर क्या करेंगे, 160 माइनस Y, तो X बराबर 160 माइनस Y बटे 2 के लिए आप एक टेबल बना दीजिएगा, के लिए सारणी आप तुरंत जो है एक खींच दीजिएगा। सारणी कैसे खींचना है मैं आपको बता देता हूँ कैसे खींचना है सारणी। अब आपको पता होगा इसमें आप X लिखिएगा, Y लिखिएगा, जितना बिंदु लेना चाहते हैं आप अपनी सुविधा अनुसार ले लीजिएगा। Y का मान रखते जाइएगा, X का मान आता जाएगा। जैसे यहाँ Y का मान अगर मैं 50 रख रहा हूँ तो X का मान आ जाएगा, घटा के भाग दे दीजिएगा, ऐसा रखिएगा 2 से कट जाए, ठीक है ना। अब आप इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी आप एक टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए क्या सारणी, तो समीकरण 2 से भी x का मान, तो 4x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y, तो x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2y अपान में क्या 4। अब इसके में भी y रखते जाइएगा, और यहाँ भी आपको एक टेबल बनाना है, यहाँ भी आप एक अच्छे से टेबल बनाइएगा, यहाँ पर रखिएगा x y, और यहाँ पे ए बिंदु बी बिंदु जितना आप ले सकें सी और डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, इसमें यहाँ भी आप रख सकते हैं ए बी सी डी ई, जितना पॉइंट आप लेना चाहें, अगर ई तक इसमें लिए हैं तो ई तक इसमें भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अब आप क्या करिएगा, वाई का मान रखते जाइएगा, एक्स का मान अपने आप दोनों में मिल जाएगा, जब हमें बिंदु मिल जाएंगे तो हम लोग रेखा बहुत आसानी से खींच लेंगे। तो ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 3 देखिए और 4 देखिए, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या करना है। हाँ, प्रश्न संख्या 3, 2 रेल की पटरियाँ, ये तो आपको सीधे सीधे मेंशन कर दिया है, 2 रेल पटरियाँ, समीकरण व्यक्त किया गया है ऐसे, x प्लस क्या लिखा है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो आप x प्लस 2y बराबर 4 कीजिएगा, और x बराबर क्या 4 माइनस 2y के लिए सारणी बना लीजिएगा। सारणी आपको बनाने आता है, ऐसे आपको बना लेना है एक बेहतरीन सा एक टेबल, ठीक है। एक में आपको रखना है x, एक में y, y का मान आप रखते जाइए 1 2 3 4 5, आपको x मिलता जाएगा, ठीक। अब आपको जो है, ये तो समीकरण 1 है, अब इसी प्रकार एक समीकरण 2 दिया है, तो वह भी देख लीजिए, वह लिखा है x प्लस 4y, और
माइनस में 12 बराबर 0 है, तो 2x प्लस 4y बराबर क्या 12, तो 2x बराबर 12 माइनस 4y, तो x बराबर 12 माइनस 4y बटे में क्या 2। इसके लिए भी आप क्या कीजिएगा, के लिए एक सारणी बनाइएगा, एक प्यारा सा आपको सारणी ऐसे ही प्राप्त होगा। और बच्चों सारणी कैसे होगा तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सारणी आप इस प्रकार से तैयार कीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा x, नीचे लिख लीजिएगा y, और आप जो है y का मान रखते जाइए, यहाँ रखेंगे y का मान, मान लीजिए एक रखे हैं, 4 × 1 = 4, 12 में से 4 गया 8, 8 से 2 से भाग दीजिए। अगर मैंने y का मान लीजिए 1 रखा है तो x क्या आएगा, 12 में से 4 गया 8, 8 में 2 से भाग देंगे 4 आएगा। इस प्रकार से आप पूरा कर लेंगे। मान लीजिए इसमें मैंने y का मान 2 रख दिया तो 2 × 4 में से 4 गया 0, x 0 आ गया। ऐसे आप मान रखते जाइएगा और आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। जब दोनों के लिए आप सारणी तैयार कर लेंगे तो आपको एक प्यारा सा ग्राफ एक्स वाई में दर्शा देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कहा 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। मैं समीकरण बना के छोड़ देता हूँ। तो अगर आप एक पेंसिल का एक्स रुपया लेते हैं, एक कलम का वाई रुपया, मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपया, ठीक है, तथा एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपया तथा एक कलम का मूल्य, तथा एक कलम का मूल्य वाई रुपया है, ठीक है। तो अगर एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपया है और एक कलम का मूल्य वाई रुपया है, तो 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, तो ये मिला के कितना हो जा रहा है, 50 रुपया। समीकरण नंबर 1 हुआ। अब इसी प्रकार से कहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का 46 रुपया है, तो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 के लिए आप ग्राफ बनाएंगे किस प्रकार से, बता दे रहा हूँ। समीकरण 1 के लिए आप जो है सारणी 1 बनाएंगे, सारणी, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना, तो 5x बराबर 50 माइनस 7y हो जाएगा, तो x बराबर 50 माइनस 7y अब बटे में क्या 5। तो इसके लिए आप जो है एक प्यारा सा ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिएगा x और यहाँ पर लिखिएगा y, तो अब आपको क्या प्राप्त होगा, कुछ पॉइंट मिलेगा। y का मान रखिएगा, घटाइएगा, भाग दीजिएगा, काटने पे आपको x मिलेगा, तो एक्स वाई आप कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। अब समीकरण 2 से देखिए, अब हम लोग आएंगे समीकरण 2 के पास, समीकरण 2 से तो इसमें आपको क्या करना है, 7x + 5y = 46, तो 7x = 46 - 5y, तो x = 46 - 5y / 7 के लिए आप क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। के लिए आप एक सारणी बनाएंगे। सारणी कैसे बनती है तो देख लीजिए, ये है आपका टेबल, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ से ऐसे आपको बिंदु प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं ये बिंदु बी सी डी और ई, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब वाई का मान रखते जाइए, घटा के काटते जाइए, फिर आपको जो है एक्स मिल जाएगा। जब ये दोनों टेबल आपका तैयार हो जाएगा तो एक्स वाई पर आप वो बिंदु दर्शा देना है आपको। तो ये है प्रश्न। ऐसे अगला प्रश्न है, इस पर भी मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न का मैं जो है सीधे सीधे आपको समीकरण बना के छोड़ देता हूँ, और आप उसका जो है टेबल बना करके और ग्राफ वाली कॉपी पे बहुत अच्छे से खींच लीजिएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ क्या है वह प्रश्न। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित में की पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है
चलिए पहले लड़के और लड़कियों की संख्या मान लीजिए। माना माना लड़कों की संख्या यक्ष तथा लड़कियों लड़कियों की संख्या वाई है। हमने क्या मान लिया, लड़कों की संख्या यक्ष है और लड़कियों की संख्या वाई है। तो कक्षा लड़के और लड़की मिला करके कुल कितने हैं, 10 ही बच्चे हैं, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है, जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, अर्थात y माइनस एक्स बराबर क्या 4, या इसी को आप लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। y को जब आप इधर करेंगे तो 4 इधर आएगा तो a बन जाएगा, या आप क्या कीजिए y को उधर कीजिए, या x को इधर करेंगे तो ये बनेगा, और नहीं तो y को उधर करेंगे तो 4 को इधर करेंगे तो ये बनेगा। समीकरण 1 और 2 जब आपको प्राप्त हो गया तो आप जो है समीकरण 1 के लिए आप क्या कर दीजिएगा, पहले आप सारणी बनाइएगा। समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे, आप एक सारणी बनाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई, तो इसके लिए आप एक टेबल ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा x, यहाँ पे लिखिएगा y, ऐसे आपको बिंदु मिल जाएगा a b c और d, ये सब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, जो कि आप x और y पर आप दर्शा लेंगे। समीकरण 1 के लिए हो जाएगा, ऐसे आप जो है समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए एक सारणी बना लीजिए। तो 2 के लिए जब सारणी बनाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस 4 हो जाएगा, x बराबर y माइनस y उधर कर दीजिए, इधर आ गया। अब इसके लिए जब बनाएंगे तो ऐसे ये भी बन जाएगा, आप ऊपर लिख लीजिएगा x, नीचे लिख लीजिएगा y, y का मान रखते जाइए, x का मान अपने आप मिलता जाएगा, इसमें भी y का मान रखते जाइए, x का मान मिलता जाएगा। जब सभी मान प्राप्त हो जाएंगे तो आप x y में उसका ग्राफ खींच दीजिएगा। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का टेक्निक अच्छा लग रहा है तो कृपया प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड जो भी आपके फ्रेंड हैं जो भी मित्र बंधु हैं आप सभी में शेयर कीजिए, और आप सभी लोग हमारा सहयोग कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।